पंजाब पक्ष टीवी देख रहा दर्शकों नूं पत्रकार आगे सुखा सिंह ममदूर दी बलाई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख जथेबंदियां वालों जो कि पल्ले मेघा पिंड ठाणे सदर विच पैंदा हरजवंत कौर दे नां दी औरत अपने घर विच बाबा दीप सिंह गद्दी लाउंदी सी जिसनों घर में जाके चैक करते जाके रोकया गया भी काम बंद कर दे। उसने कहा मैं तो मेरे से बाबा दीप सिंह का मुकद्दी लाउनी आ। फिर जो प्रशासन लिखती दरखास्त दी गई एस एच ओ सदर ने बुलाया इतने तो गल हुई कहती मैं बंद कर दें एफीडेट दे के मैं बंद कर दिनी हाँ। उस तो बाद उसने वो गल तो नहीं हटी फिर कहती मैं गद्दी लावगी। बाद एस एच ओ कहा भी परचा दर्ज करो 295 ये लाओ उन्हें से। फिर एस एच ओ ने 295 लाने के बजाय कहता भी मैं लीगल डी ए रह लवाँगा। तो मैं उन्होंने आख्या एस एच ओ साहब लीगल डी ए रह उस केस चली जाती है किड़े केस में कोई प्रूफ ना हो आपू एल सी डी बना के दी है बकायदा सी डी बना के दी है भी वह बीबी पखंड कर रही है। फिर उन्हें कार्रवाई नहीं की इस करके अच्छ सारे जथेबंदियां इतने सारा रोड जाम किया होया है। किन्ना चिर कोई प्रशासन उस औरत सख्त कार्रवाई नहीं करता उन्ना चिर इतने मोर्चे सिंह खड़े हुए हैं सारे धरना लगा हुआ इन्हें। धन गुरु ग्रंथ सत्कार कमेटी पंजाब एक नूर खालसा फौज फैडरेशन महिता तो भाई नत्था भाई अब्दुल्ला ग्रंथी सभा सिंह सारे वगैरह एस एच ओ नूं दित्ती है कि क्यों नहीं तो कार्रवाई हुई। असी पुरजोर मंग करते हैं तो कार्रवाई औरत कार्रवाई होनी चाहिए है क्योंकि अगे तो कोई भी यहोजा पखंड ना करे। और दूसरी गल श्रोमणी कमेटी दस लो बेड़ा गर्क होया पिया भी जोड़ा कि महाराज के सरूपों का कोई ख्याल नहीं 328 सरूप इन्होंने गायब कर दिए ने उन्हों का कोई हिसाब नहीं अजे दिता। सब सरकार विक चुकी उन्होंने सिर्फ अपने जेबा भरने मतलब है और उन्होंने किसी पंजाब की किसी कौम की किसी इंसानियत की उन्होंने लोड़ नहीं। सो अज बहुत ज्यादा माड़ी गल है कि पंजाब दे विच साढ़े ही धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हमले हो रहे हैं। बहुत माड़ी गल इस तो की हो सकती है। सो इस करके असी मानयोग SSP साहब DC साहब फिरोजपुर उन्होंने बेनती करते हैं कि जो पल्ले दी वो बीबी औरत कहती कि मेरे विच बाबा दीप सिंह आउंदा उहदे ते परचा दर्ज किया जाए और उस ते बनदी कानूनी कार्रवाई की जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी इस मुद्दे से कट्ठे हुए हाँ कि जो पिछले कुछ दिनों तो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की थां थां ते बेअबदी हो रही है तो साड़ी सरकार सुती हुई है। आई सरकार नूं जगाउण वास्ते इसलिए असी धरने दे अज कट्ठे हुए हाँ। आई जिथे सरकार नूं जगाउण वास्ते कट्ठे हुए हाँ उत्थे असी प्रशासन नूं भी बेनती करते हाँ कि प्रशासन किसी सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए क्योंकि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारे मुक्ता का सांझा गुरु है। धार्मिक स्थान सारे सत्कार करन योग हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। इत्थे जो एक सारे सिंह ने दसिया वा कि एक बीबी आ जो कहती भी मेरे बच्चे बाबा दीप सिंह आ सब तो पहलों तो मैं उन्होंने बीबी कह तो मैं एक उत्तों शर्म महसूस करता वा। बीबिया तो वो ने जिन्होंने सवा सवा मन के पीसने पीसे तो खनी खनी से गुजारा किया अपने बच्चों के गल में टोटे करा के हार पवाए वो सन बीबिया। इन्हों बीबिया कहते भी सू तो शर्म आ जो ये अपने आप में एटा रुतबा बीबिया का रुतबा घुमा ये कोई छोटी नहीं गल। इस करके योजे पखंड जोड़े आ
ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੱਲੇ ਮੇਘੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਆ ਸਰੇਆਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਲੇ ਮੇਘੇ ਦੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ TV ਚੈਨਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਗੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।